हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि है बुलेट 350 नेक्स्ट जेन को लेके। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल क्लियर हो रही है बुलेट 350 में क्या क्या आने वाला है, जो नई अपकमिंग नेक्स्ट जेन जो बुलेट 350 है ना, उसके अंदर क्या क्या डिटेलिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हैं। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनने कि ये वीडियो बनाया है, मुझे शेयर किया हुआ है। एंड दोस्तों पहले आप देखिए रॉ वीडियो में क्या क्या दिखाया गया, उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट डिटेल के बारे में एंड इसमें क्या क्या फीचर आने वाले हैं वो भी बात करेंगे। एंड जल्द ही जो है ये मॉडल लॉन्च होना है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आप पहले रॉ वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपने देखा रॉ वीडियो में कि बहुत सारी डिटेलिंग जो है वो क्लियर हो रही है स्टैंडर्ड नेक्स्ट जेन को लेके। एंड स्टैंडर्ड नेक्स्ट जेन जो है जल्दी आने वाली है, उसके लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं। पहले हम बाइक की डिटेलिंग में बात कर लेते हैं क्या क्या है। पहला तो आपने सेम टू सेम इंजन देखा, जो क्लासिक में आपको जो मीटर में इंजन मिल रहा है वो सेम अभी स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। एंड यूसी इंजन जो अभी करंट इंजन है ना स्टैंडर्ड में, वो बंद होगा, फॉर श्योर बंद होगा, क्योंकि कंप्लेंस एंड प्रॉब्लम जो उसके अंदर बहुत आ रही है। वाइब्रेशन जो है, मशीन का जो नाम जो कहा जाता था रॉयल एनफील्ड को दिया था, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है रॉयल एनफील्ड। एंड दोस्तों अगर मेन फोकस अगर आप देखेंगे तो आपको जो सिंगल सीट मिल रही है ना, जो सीट जो है वो स्प्लिट सीट जो क्लासिक वाली थी उसको हटा के जो है स्टैंडर्ड में सिंगल सीट किया जा रहा है। एंड सिंगल सीट में बहुत ज़्यादा कुशन जो है आपको देखने को मिला होगा, ज़्यादा थोड़ा सा मोटी सीट जो है आपको देखने को मिल रही होगी, तो इसमें कंफर्ट जो है उस पर रॉयल एनफील्ड वर्क कर रही है। एंड स्टैंडर्ड में जो पीछे का टायर पतला है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको इसमें ब्रॉड टायर सेम क्लासिक जैसा टायर ही मिलने वाला है, ऑलमोस्ट क्लासिक जैसी होगी, बट इसमें सिंगल चैनल ABS आपको मिलने वाला है, इंजन आपको मिलेगा और कुछ मेजर चेंजेस नहीं। इसमें कहा जा रहा है कि टैंक के ऊपर जो है हैंड आर्ट किया जाएगा। किक का अभी कोई भी अपडेट नहीं, किक जो आपने देखा होगा इसमें किक आपको नहीं दिखाई दिया होगा, तो किक का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलने वाली है। बाकी सभी फीचर्स जो हैं वो क्लासिक से ही मैच जो है करने वाले हैं। स्टैंडर्ड सिर्फ एक स्टैंडर्ड लवर जिसको सिंगल सीट चाहिए और थोड़ा फील चाहिए सिंगल सीट का, वो उसके लिए ही है, बाकी इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाला है। अब आई नो दोस्तों बहुत लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसके प्राइसिंग को लेके, इसके लॉन्च को लेके, कौन कौन से कलर ऑप्शन रहेंगे एंड किक रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों पहले तो क्लियर कर दूँ, किक इसके अंदर नहीं है, किक की टेस्टिंग की अपडेट थे बट वो एक्चुअल में अभी अपडेट में ही है, अभी कोई कन्फर्मेशन वीडियो हमको किसी वीडियो में किक देखने को नहीं मिला है, ना ही इस वीडियो में किक देखने को मिल रहा है, तो किक अभी तक तो कन्फर्म नहीं है। साथ ही साथ लॉन्च की अगर बात की जाए दोस्तों 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर के मिड तक आपको ये मॉडल जो है देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही साथ अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो 1.50 to 1.60 के आसपास जो है एक्शोरूम प्राइस रहेगा, ऑन रोड प्राइस वही 2 लाख के आसपास जो है इसका आराम से हो जाएगा। एंड सिंगल चैनल ABS में इक्विप रहने वाला है, टोटल 3 कलर ऑप्शन जो है अभी तक कहा जा रहा है, जो इनसाइड अपडेट है इसमें ग्रीन ब्लैक एंड साथ ही सिल्वर कलर जो है वो भी रहने वाला है। अब इसके अलावा और कौन से कलर ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल क्लियर नहीं है। एंड आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल मिल चुका होगा। एंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। स्टैंडर्ड नेक्स्ट जेन को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करेगा। यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट 350, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।